करूंगा कि जो भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ प्लीज उसे लिखते चले दोस्तों। जब लिखेंगे तभी तो पढ़ेंगे ना, तभी सुनेंगे ना, तो प्लीज आप लिखते चले। इस वीडियो में टोटल में 20 कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो भी बच्चे नहीं जानते हैं और डरते हैं इस सर्कल चैप्टर से, उनका डर मैं खत्म करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं सर्कल। सर्कल को हम हिंदी में कहते हैं वृत्त दोस्तों, समझते हैं इसको एक मीनिंग पार्ट से। हम देखिए अगर सर्कल की बात करें तो सर्कल क्या होता है, हम कह सकते हैं सेट ऑफ पॉइंट्स, द सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। एक हमने फिक्स पॉइंट लिया, इस फिक्स पॉइंट से सेट ऑफ पॉइंट्स है, सेट ऑफ पॉइंट्स है जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है, ये इक्वल डिस्टेंस से पॉइंट्स बन रहे हैं। ठीक है, जब इक्वल डिस्टेंस से पॉइंट्स बन रहे हैं और उस पॉइंट को हम जोड़ रहे हैं तो वो बन जाएगा हमारा सर्कल। ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं, एक बार हिंदी समझ लेते हैं। एक ही बिंदु से जब समान दूरी पर स्थित जितने भी बिंदु होंगे उन बिंदु के समुच्चय को हम जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा हमारा वृत्त। ओके दोस्तों, हमने देखा वृत्त का मीनिंग। दोस्तों सर्कल की बात करें तो सर्कल में एक फिक्स पॉइंट हो गया, हमने देखा अभी फिक्स पॉइंट से अगर मैं इस फिक्स पॉइंट से सर्कल के किसी भी पॉइंट को अगर मैं जोड़ता हूं, ठीक है, तो ये सेगमेंट बना, इस सेगमेंट को हम कहते हैं रेडियस, इसे कहते हैं रेडियस, हिंदी में इसको हम जानते हैं त्रिज्या के नाम से, त्रिज्या। ठीक है, अगर यही हम बात करें दो पॉइंट्स को, अगर सर्कल के दो पॉइंट्स को अगर हम मिलाते हैं एक दूसरे से तो इस सेगमेंट को कहते हैं हम लोग कोण, इसे कोण कहते हैं, कोण को हिंदी में कहते हैं जीवा। ठीक है दोस्तों, पर जब यही कोण अगर सेंटर से पास होता है, यही कोण अगर सेंटर से पास होता है तो इस सेगमेंट को हम कहते हैं डायामीटर, इसे कहते हैं हम लोग डायामीटर, इसे हिंदी में कहते हैं व्यास। हम कुछ सीखने जा रहे हैं शुरू से, यहां पे रेडियस की और डायमीटर की हम बात करें तो रेडियस जो है आपने देखा कि रेडियस को हम आर से दर्शाते हैं, डायमीटर हम डी से दर्शाते हैं। अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस क्या है दोस्तों, ये रेडियस है, रेडियस ये डायमीटर का हाफ दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर। बट वैसे ही हम बात करें तो वन और टू दो रेडियस से मिलकर डायमीटर बन रहा है, तो हम कह सकते हैं डायमीटर इज इक्वल टू ऑफ रेडियस। ओके दोस्तों, आप सीख गए होंगे। तो दोस्तों हमने ये सीखा कि जब हम लोग सेंटर से किसी भी सर्कल के पॉइंट को टच करते हैं, ज्वाइन करते हैं, उसे बोलते हैं रेडियस। जब इसी सेंटर से पास होते हुए एक कोण जा रहा है तो उसे बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर जो है वो हमारा सबसे बिगेस्ट कोण होता है, बिगेस्ट कोण ऑफ सर्कल इज नोन एज डायमीटर। डायमीटर सबसे स्पेशल कोण होता है दोस्तों, इसका नाम दिया गया है डायमीटर। दोस्तों देखते हैं आगे, दो सर्कल है, ठीक है, ये दो सर्कल में ड्रॉ किया है। अब हमने क्या कहा कि दो सर्कल में यहां पर सेंटर से हमने देखा कि ये रेडियस है, यहां भी रेडियस है। मान लीजिए कि रेडियस वन है, ये रेडियस टू है, और दोनों रेडियस आर वन इज इक्वल टू आर टू, अगर दो सर्कल के रेडियस सेम होंगे तो हम उसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ये हमारा बन जाएगा कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ओके दोस्तों, ये बता दीजिएगा कि जब ये बता दीजिएगा जब दो सर्कल के रेडियस इक्वल होते हैं तो वो सर्कल्स कहलाते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ओके, अब हम बात करते हैं अगर हम एक फिक्स पॉइंट लिए, अब इस एक फिक्स पॉइंट से हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया, फिर सर्कल ड्रॉ किया, फिर सर्कल ड्रॉ किया, ऐसे बहुत सारे सर्कल ड्रॉ होते जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, सेंटर तो एक है, सेंटर एक है और डिफरेंट रेडियस के बहुत सारे सर्कल्स बनते जाएंगे, इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इनके केंद्र एक होंगे और सर्कल्स जो है बहुत सारे बनते ही जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि एक फिक्स पॉइंट होगा, सेंटर एक होगा और यहाँ पे वेरियस रेडियस के सर्कल्स बनते जाएंगे। नाउ वी सी टचिंग सर्कल्स, टचिंग सर्कल्स, सी व्हेन टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट, जब एक पॉइंट पे दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं टचिंग सर्कल्स। यहां पर दो जो रेडियस हैं सेम हो सकते हैं या दोनों रेडियस अलग हो सकते हैं, ठीक है, पर यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एक होता है। ओके, इसे कहते हैं टचिंग सर्कल्स। हम आगे देखते हैं, मान लीजिए बड़ा सर्कल है, ठीक है, और इसके अंदर एक और छोटा सर्कल है जो टच कर रहा है एक पॉइंट पे, ठीक है, तो ये भी हमारा होगा इंटरसेक्टिंग सर्कल विथ वन पॉइंट। यहाँ पे दो सेंटर्स हैं और दोनों के यहाँ के रेडियस इक्वल नहीं होंगे, छोटा होगा एक बड़ा होगा।
ओके तो यहाँ पर पॉइंट और पॉइंट एक ही हुआ है तो हम इसे कहते हैं टचिंग सर्कल्स। ओके दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा इसमें, मान लीजिए सेंटर का नाम दिया हमने ओ, इसे दिया पी और पॉइंट ऑफ कॉर्नर ने दिया टी, तो ये जब हम इसको मैच करते हैं यहाँ पे दोस्तों तो हम इसे कहते हैं कि दे आर द कोलिनियर पॉइंट्स, दे आर द कोलिनियर पॉइंट्स वेयर टू सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट वन पॉइंट, वेदर दे आर द एक्सटर्नल टचिंग और इंटरनली टचिंग, their point of contact and the centers are collinear. Okay दोस्तों तो यहाँ पे O T P क्या होगा? Collinear होगा। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे center दिया है O P और point of contact T दिया है, तो ये तीनों जो है आपस में collinear बन जाएंगे, क्या बन जाएगा अपना O P और T, they are the collinear. Okay दोस्तों when two circles will intersect each other at two different points, when two circles are intersecting each other at two different points, so here the center, suppose center one O and one circle center is P, okay, they are intersecting at two different points, suppose A and B, so they are called intersecting circles, they are not touching circle, they are intersecting circles, jo circle hai ye dono jo hai different do points pe intersect karte hain, suppose humne ek circle le liya, center liya humne O aur humne chord liya AB और हमने ओ एम यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला है इस कोड पे, ठीक है, तो व्हेनेवर वी ड्रॉ एनी परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू इट्स कोड, इट विल बाइसेक्ट द कोड, ये कोड को बाइसेक्ट करता है, तो हमारे यहाँ बन जाएगा ए एम इज इक्वल टू बी एम व्हेन ओ एम इज परपेंडिकुलर टू दिस कोड ए बी, इफ दिस विल एग्जिस्ट सो देन दिस विल बी द आउटपुट। ओके तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर ए एम इज इक्वल टू बी एम, यहाँ पे प्रॉपर्टी बनता है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कोड बाइसेक्ट द कोड। ओके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों, इसे प्रूफ करने के लिए क्या सकते हैं, हमें यहाँ पे गिवन दिया होगा तो हमें गिवन में क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा ओ इज द सेंटर, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ए बी इज अ कोड, ए बी यहाँ पे कोड है और ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, इतना दिया हुआ है आपको, हमें यहाँ पे टू प्रूफ लिखना होगा, हमें टू प्रूफ क्या करना है ए एम इज इक्वल टू बी एम, ठीक है, हमने ए एम और बी एम को हमें इक्वल बताना है, तो अब हमें बताना है कि ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, इतना हमें इंफॉर्मेशन गिवन दे दिया हुआ है, हमें टू प्रूफ करना है यहाँ पर, टू प्रूफ करने के लिए हमें बताना होगा कि ए एम जो है वो बी एम के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है, ए एम इज इक्वल टू बी एम, हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिया, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे कि हमने ओ ए को और ओ बी को हमने मिलाया, तो हमने यहाँ पे ड्रॉन ओ ए एंड ओ बी, हमने ओ ए एंड ओ बी को हमने ड्रॉ किया, ठीक है, और उसके बाद हमें करना है यहाँ पे क्या प्रूफ लिखना है, हमें प्रूफ लिखना है, तो प्रूफ लिखने के लिए हमें यहाँ पे दो ट्राइंगल लेना होगा, हमने लिया इन ट्राइंगल ओ एम ए, ओ एम ए and triangle OMB, OMB, we knows that here this side is common in both the triangles, ये जो साइड है दोनों त्रिभुज में कॉमन है, ओके ये 90 डिग्री हमें ऑलरेडी दिया हुआ है और यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे ये दोनों इक्वल होंगे because radii of the same circle, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, हमने क्या लिखा यहाँ पे angle OMA, OMA is congruent to angle OMB. OMB हमने इक्वल कर दिया because each 90 degree हम कहेंगे प्रत्येक 90 अंश के कोण बन रहे हैं यहाँ पे, हमें पता है कि OM जो है is congruent to OM है, it is given यहाँ पे दिया हुआ है adjacent is the common side, ये हमारा common side है, ठीक है, अब हमें पता है कि OA जो है OA is equal to या congruent to OB के, why radii, radii of same circle, radii of same circle, दोस्तों हम बात करते हैं रेडियस की, रेडियस एक सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है, और इसका प्लूरल फॉर्म होता है radii, ठीक है, ये आपका प्लूरल फॉर्म है, ये एक वचन है और ये बहुवचन है,
इससे दोस्त हमें यहाँ पे रेडियस मिल रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे क्या लिखा, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। अब हम ये पता चल गया दोस्तों, दो ट्राइंगल के अंदर जब एक रीजन दिया है कि 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 सामने वाला हाइपोटेनियस होता है और हमें एक साइड मिल गया, तो हम कह सकते हैं कि दो ट्राइंगल जो है ये कॉन्गुएंट हो जाएंगे। हम लिखेंगे ट्राइंगल OMA इज कॉन्गुएंट ट्राइंगल OMB के। हम लिखेंगे यहां पे हम लोग हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, ये हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से दो ट्राइंगल कॉन्गुएंट हो जाएंगे। जब दो ट्राइंगल कॉन्गुएंट हो जाएंगे तो उसके रिमेनिंग साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम कहेंगे यहां पे कि AM is congruent to BM, okay? CSCT, corresponding sides of congruent triangle, सर्वांशत त्रिभुज की संगत भुजा। तो हमें ये मान पड़ेगा दोस्तों, हमने बड़े आसानी से AM जो है BM के इक्वल हो गया, हमने प्रूफ कर लिया। दोस्तों अब ये थ्योरम हमने पढ़ा दिया, ये थ्योरम में क्या पढ़ा हमने कि perpendicular drawn from the center of the circle on its chord bisect the chord, वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पे डाला गया लंब वो जीवा को समद्विभाजित करता है, ये हमने पढ़ लिया। अब हमें इसका पढ़ना है कन्वर्स, माने कन्वर्स में क्या दिया रहेगा दोस्तों, वो पढ़ते हैं। हमने अभी सर्कल लिया दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ आपको सेंटर, ठीक है, हमने सेंटर मान लीजिए ओ लिया। अब यहाँ पे हमें कोड दिया हुआ ए बी, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमें दिया हुआ कि मिड पॉइंट ऑलरेडी दिया है एम, ए बी का एक मिड पॉइंट एम दिया हुआ है और हमने इस मिड पॉइंट से सेंटर को हमने जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो हमें पता है कि ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। पर हमें प्रूफ करना है कि ओ एम जो है ए बी पर परपेंडिकुलर है, ये प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पे करना होगा कंस्ट्रक्शन। तो देखिए यहाँ पे हम लोग गिवन दिया है ओ इज द सेंटर, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, ये दिया हमको। और यहाँ पे ए बी इज अ कोड, ए बी इज अ कोड वेयर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेग ए बी, सेगमेंट ए बी का एम जो है मिड पॉइंट है, ये मान लीजिए दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ, हमें टू प्रूफ करना है, यहां पे है हमें यहां पे टू प्रूफ करना है दोस्तों। क्या टू प्रूफ करना है कि ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, परपेंडिकुलर, ये बात को प्रूफ करना है। ये थ्योरम जो है ये क्या है, कन्वर्स है, किसका, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन इट्स कोर बाइसेक्ट द कोर का, ये क्या है, कन्वर्स है, ठीक है। तो कन्वर्स को प्रूफ करते हैं, बड़े सिंपल सा हमें यहाँ करना होगा कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे सेम वैसे ही हमने ओ ए को, हमने ओ बी को हमने ज्वाइंट कर दिया, वी ड्रॉन ओ ए एंड ओ बी, ठीक है, हमने ओ ए और ओ बी को हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें लिखना है प्रूफ, प्रूफ लिखने के लिए हमें यहाँ सिंपल सा चीज देखना है कि दो ट्राइंगल में मिल रहा है, ए ट्राइंगल वॉट ओ एम ए एंड ट्राइंगल ओ एम बी, हियर वी नो दैट ओ एम इज कॉन्गुएंट टू ओ एम बिकॉज दे आर द कॉमन साइड, हम देख सकते हैं कॉमन साइड है, दोनों त्रिभुज में समान भुजा है। अब हमें ये मालूम पड़े कॉमन साइड, ठीक है। अब ओ ए और ओ बी क्या है, दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है, बोथ आर द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, सो वी राइट हियर ओ ए इज कॉन्गुएंट टू ओ बी, वी राइट हियर रेडाई ऑफ सेम सर्कल, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, सेम सर्कल हमने लिख दिया। अब हमें पता है कि एम जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए एम इज कॉन्गुएंट टू बी एम के, व्हाई इट इज गिवन, ये गिवन में दिया हुआ है कि ये दोनों क्या है, इक्वल होंगे बिकॉज ये एम मिड पॉइंट है। तो अभी देख के मान लो कि दो ट्राइंगल के अंदर जब तीन साइड्स इक्वल हो रहे हैं, तीनों साइड्स इक्वल हो रहे हैं, तो कह सकते हैं कि ट्राइंगल ओ एम ए इज कॉन्गुएंट ट्राइंगल ओ एम बी के, वी राइट हियर साइड 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 टेस्ट, ये साइड 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 टेस्ट, भू 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 के जरिए से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समांतर हो गए। जब दो त्रिभुज समांतर हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, उसके रिमेनिंग करिस्पोंडिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, तब कहेंगे एंगल ओ एम ए, ओ एम ए इज कॉन्गुएंट टू एंगल ओ एम बी के, ओ एम बी के हम यहाँ लिखेंगे हम लोग सी ए सी टी, सी ए सी टी करिस्पोंडिंग एंगल ऑफ कॉन्गुएंट एंगल, ये हमने देख लिया, इसे क्वेश्चन वन ले लिया। अब हमें करना क्या होगा दोस्तों, हम ये पता है कि जब एक दो एंगल को अगर मैं कनेक्ट करता हूँ, जोड़ता हूँ, क्या बनेगा, एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी
OMB is equals to 180 degree by linear pair angle. ये बन जाएगा हमारे linear pair angle. When we join these two angles OMA and OMB, they will become the linear pair angle. It is called in Hindi एकी युगल कोण. ठीक है, अब यहाँ पे दोनों कोणों के मापों का योग कितना होगा, 180 हो जाएगा. पर हमें पता है कि OMA जो है एंगल, ये OMB के इक्वल है. इक्वेशन वन में कह रहा है, तो मैं लिखेंगे एंगल OMA प्लस इंस्टीड ऑफ एंगल OMB वी विल राइट हियर एंगल OMA. OMA बराबर 180 है, कहां से, बाय 1, इक्वेशन नंबर 1 से आ गया. ठीक है, अभी एक और एक दो एंगल मिल गया, तो देयरफॉर 1 and 1 two angle OMA is equals to 180 degree. Therefore, angle OMA is equals to 180 degree upon 2. 2 nines are 18. 2 is multiplied, we take divide. 2 nines are 18 और 0 है. तो यहाँ पे angle OMA is equals to 90 degree. ये कितना आ गया, 90 degree. अब हमारे पास यहाँ पे OMA जो है, अगर वो 90 degree आ गया, therefore we can say that OM is perpendicular to AB और hence proved. ये हमारा क्या हो गया, proved हो गया. तो दोस्तों हमने देखा कि सिंपल तरीके से हमने क्या किया, थ्योरम को प्रूव कर लिया. तो दोस्तों एक बार और बता रहा हूं, करना क्या होगा, आपको दो ट्रायंगल लेना होगा. ये साइड इससे इक्वल है, ये साइड दोनों इक्वल होंगे, रेडियस सेम सर्कल, ये दो साइड इक्वल होगी, मिड पॉइंट है. तो दो ट्रायंगल हमारे कॉन्वर्ट हो जाएंगे, एस 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 से कॉन्वर्ट होते हैं, रिमेनिंग एंगल जो है वो इक्वल हो जाएंगे. इन क्वेश्चन हमने मान ले लिया. अब उसके बाद दो एंगल को जोड़ेंगे तो बन जाएगा लीनियर पेयर एंगल, रेखीय युगल कोण, इनका योगफल 180 होता है. अब हमने एक एंगल का नाम चेंज करके दोनों को जोड़ दिया, तो हमारा OMA जो है आ गया 180 डिग्री, तो 2 से डिवाइड करने पे आ गया 90 डिग्री. जब एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री बन गया, तो हम कह सकते हैं कि OM जो है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है. ओके दोस्तों, दोस्तों हम सर्कल देख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे दो यहाँ पे कोण दिए गए हैं, कोण AB और कोण CD. ठीक है, ये दोनों कोण जो है इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है. अगर दोनों कोण AB एंड CD बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, दे आर कॉन्ग्रुएंट कोण, अगर दो कोण कॉन्ग्रुएंट होते हैं एक सर्कल के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि दोनों कोण की जो डिस्टेंस है, किससे, सेंटर से, सेंटर ने O लिया, तो मान लीजिए OM एंड ON बोथ आर इक्वल, तो यहां पे OM is equals to होगा OM के, जो distance है इस कोण का, distance जो है वो दोनों distance का होगा equal होगा. तो हम कहेंगे कि OM और OM दोनों equal हो जाएगा. पर इसे हमें प्रूव करना होगा, जब ये दिया होगा तो ये करना होगा, जब ये दिया होगा तो ये करना होगा. ठीक है, तो पहला हम तेरा प्रूव करने चले हैं. Whenever the two cores are congruent, they are equidistant from the center. ठीक है, हम ये तेरा प्रूव करने जा रहे हैं. तो हमें क्या करना होगा, हमें लिखना है अभी given. Given में ये दिया हुआ है हमें कि O is the center. O is the center of the circle. मान लीजिए हमने क्या लिया, सर्कल का एक सेंटर ले लिया. अब यहाँ पे जो कोण है, कोण मतलब जीवा, कोण AB is congruent to कोण CD. हमने दो यहाँ पे कोण लिए, दोनों कोण कॉन्ग्रुएंट का बता दिया. ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, इसमें यहाँ पे चीज और दिया हुआ है, OM जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर, और ON जो है वो परपेंडिकुलर है CD पर. तो ये डिस्टेंस बनेगा, सेंटर से AB का डिस्टेंस OM होगा, और सेंटर से CD डिस्टेंस हमारा OM होगा. तो ये डिस्टेंस बनने वाला है, तो हमें चीज दिया हुआ है, इट्स गिवन, दिस कांसेप्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, नाउ हमें क्या करना होगा, प्रूव. तो हमें टू प्रूव करना है. अब टू प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें ये बताना है कि OM जो है वो congruent किसके है, OM के. ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है. अब हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन पे. यहाँ छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा हमको. यहाँ पर ड्रॉन, व्हाट ड्रॉन, ड्रॉन OA एंड OC. हमने OA और OC को हमने ड्रॉन कर लिया. अब हमें क्या करना होगा, हमें लिखना है प्रूफ. तो हम प्रूफ लिख रहे हैं दोस्तों, जरा ध्यान से लिखिएगा. प्रूफ में क्या होगा, हम लिखेंगे, हमें पता है, since we know that code AB is congruent to code what code CD. ये हमको दिया हुआ, it is given to you. So when two codes are congruent, so we can say half of this, therefore half of AB is also equal to half of CD. ठीक है, अगर पूरा पूरे के बराबर है तो उसका आधा आधे के बराबर होगा. तो हम बोलेंगे AD का हाफ और CD का हाफ भी तो नहीं इक्वल होगा. तो हमें पता है, therefore AD का हाफ हमने ले रहे हैं AM को. तो मैं लिखेंगे AM is equal
इक्वल टू सी एन के, हमने ले क्वेश्चन इसको ले लिया 1, ओके हमने क्वेश्चन इसको 1 ले लिया। अब उसके बाद हम चलेंगे दो ट्रायंगल पे, तो एक ट्रायंगल ओ एम ए, ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एन सी, ओ एन सी हमने दो ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। अब हम क्या बताने जा रहे हैं, हमें पता है कि ए एम जो है वो कॉमन किसके है, सी एन के, कहां से, बाय 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से ले लिया। अब हम ये इतना होने के बाद ये इक्वल हो गया, ठीक है। अब हमें पता है कि ओ ए जो है ओ ए कॉमन किसके है, ओ सी के है, क्यों बताओ दोस्तों, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, रेडियस है किसके, एक ही सर्कल के। तो लिखिए यहां पे नो रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है, सेम सर्कल के रेडियस है। अब इतना होने के बाद हमें एक चीज और पता है, हमें यहाँ पे गिवन भी दिया था कि ये क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे एंगल ओ एम ए, ओ एम ए इज कॉन्गुएंट टू एंगल ओ एन सी के, ओ एन सी के यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या इज 90 डिग्री या फिर दिस इज गिवन से, ठीक है। अब दो ट्राइंगल ट्राइंगल देयर ट्राइंगल ओ एम ए इज कॉन्गुएंट टू एंगल व्हाट, ओ एन सी के, लिखे हम लोग यहाँ पे हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, क्यों हुआ दोस्तों, यहाँ पे देखिए जब एक 90 डिग्री दिया हुआ है क्योंकि सामने वाला साइड जो है इक्वल है, तो जब 90 के सामने वाला साइड इक्वल है ये आपका हाइपोटेनियस बन गया, और ये साइड कोई भी ये साइड इससे इक्वल है अगर ये इससे इक्वल दिया हो कैसे भी, तो एक साइड और एक हाइपोटेनियस इक्वल होता है तो हम उसे कहते हैं दो ट्राइंगल कॉमन हो जाएंगे हमारे हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से, ठीक है। जब दो ट्राइंगल कॉमन होंगे दोस्तों तो हम कह सकते हैं रिमेनिंग साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो हम बोलेंगे यहाँ पे ओ एम इज कॉन्गुएंट टू ओ एन के, hence proved, हम बोलेंगे सी एस सी टी के corresponding sides of congruent triangle से, और hence proved हो गया, ओके। हम जो पढ़ा ये सब फंडास हैं, ये सब ज्योमेट्री के फंडास हैं, सर्कल के फंडास हैं, ये ही सर्कल के फंडास आपको यहाँ पे क्या होगा, जब सम्स आएंगे तो सम सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगा, ओके। इस तरह भी एक हमने थ्योरम देखा यहाँ पे, हमने क्या देखा कि whenever two chords are congruent, they are the equidistant from the center. इसका रिवर्स हो सकता है कि अगर आपको इक्विडिस्टेंस दिया हुआ है, then prove the both the chords are congruent. या प्रूव करेंगे आ सकता है। तो ये थ्योरम उसका कन्वर्स था, ठीक है? तो हम इस कन्वर्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो हमें लिखना क्या होगा? हमें गिवन दिया है। मान लीजिए गिवन में दिया होगा आपको यहाँ पे O is the center of the circle. सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, हमने लिख दिया। अब गिवन होने के बाद हमें ये पता है कि यहाँ पे ओ एम जो है, दिस ओ एम इज कॉमन टू ओ एन, ये हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, ये हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज दिया कि ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, ऐसे ओ एन जो है वो भी परपेंडिकुलर पर है सी बी पर, दिस ऑल आर गिवन टू यू। नाउ हमें टू प्रूफ करना है, कोण ए बी इज कॉमन टू कोड सी डी, कोड सी डी हमें प्रूफ करना है इक्वल है, ये हमें बताना है, ठीक है, कि जब इक्वल डिस्टेंस दिया हुआ होगा, जब ये दोनों इक्वल दिया हुआ है तो दिस कोड्स आर इक्वल, ये हमें प्रूफ करना है। अब हम प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन मैं ऑलरेडी किया हूं कि ओ ए ड्रॉन ओ ए एंड ओ सी, हमने ओ ए और ओ सी का हमने ड्रॉ किया था, ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के लिए यहां पे देखते हैं हम कि हमें पता है कि दो ट्राइंगल ने ले लिया, एक ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ओ एम ए, ओ एम ए एंड ट्राइंगल ओ एन सी, ओ एन सी, हमने दो ट्राइंगल लिया, दिस एंड दिस ट्राइंगल, हमें क्या इसमें पता है, हमें पता है इसमें एंगल ओ एम ए, ओ एम ए इज कॉन्वेक्स टू एंगल ओ एन सी, ओ एन सी इज 90 डिग्री, ये गिवन में दिया हुआ है, इज 90 डिग्री, परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री होगा। उसके बाद हमें ये पता है कि ओ एम जो है वो कॉमन किसके है, ओ एन के है, इट इज आल्सो गिवन टू अस। उसके बाद हमें ये पता है कि ये क्या है, दे आर द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, तो मीनिंग ओ ए इज कॉमन टू ओ सी के, वाय रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ओके। अब हमें ये मान लो दो ट्रायंगल के अंदर तीन रीजन आप सेटिस्फाई कर रहे हैं कि देखो एक 90 डिग्री दिया, एक साइड दिया हुआ है, यहां पे हाइपोटेनियस इक्वल दिया हुआ है, तो यहां पे मान लो दो ट्रायंगल जो है ये हमारे कॉन्गुएंट हो जाएंगे हाइपोटेनियस साइड टेस से। तो लिखिए हम लोग यहां पे ट्रायंगल OMA इज कॉन्गुएंट ट्रायंगल व्हाट, OMC वी राइट हियर हाइपोटेनियस,
हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। ठीक है, जब दो ट्रायंगल कॉन्वर्ट हो जाएंगे तो उसके रिमेनिंग साइड AM इज इक्वल टू व्हाट CN। ठीक है, AM जो है CN के इक्वल हो जाएगा। ओके दोस्तों, दो ट्रायंगल हैव बीन कॉन्वर्ट कर लिया हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से, तो हमें मान लीजिए दो ट्रायंगल कॉन्वर्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, रिमेनिंग साइड्स के इक्वल होंगे। तो रिमेनिंग साइड क्या बचा, AM और CN बोथ आर कॉन्वर्ट। देखिए यहां रिवीजन आएगा CS CT corresponding sides of congruent triangle। अब इतना होने के बाद में हमें मालूम है कि AM जो है CN के इक्वल हो गया, पर हमें ये नहीं बताना, हमें चाहिए क्या, AB is equal to CD हमें चाहिए। ठीक है दोस्तों, हमें प्रूव करना AB कोण is equal to CD के। ठीक है, हम एक थ्योरम पढ़ चुके हैं, whenever we perpendicular draw from the center of the circle on this chord it bisects the course, ये हमने थ्योरम पढ़ा है। वृत्त के केंद्र से उसके जीवा पे डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करते हैं, तो वही हम थ्योरम यहां अप्लाई कर लेंगे। हम यहां बोलेंगे 2 ऑफ AM इज इक्वल 2 ऑफ CN, 2 इज मल्टीप्लाइड बोथ द साइड, दोनों साइड हम 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको 2 ऑफ AM, AM का डबल करने पे क्या आएगा, AB आएगा। हम देखेंगे अब AB इज कॉमन टू CN का, तो क्या होगा CD, रिप्लाइड CD, AB इज कॉमन टू CD। ठीक है, हमें लिखे हम यहाँ पे कि ए बी कॉमन सी डी हो गया, तो इसका यहाँ पे रीजन आना पड़ेगा, वाई बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू इट्स कोड बाय सेक द कोड। ठीक है, ये अगर आप थ्योरम आप लिख देंगे तो यहाँ पे रीजन फुलफिल हो जाएगा, ए बी जो है वो सी डी कॉन्वर्ट हो गया। सो हम कह सकते हैं कोड ए बी इज कॉन्वर्ट टू कोड सी डी, और एहेंस क्या हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, एहेंस क्या हो गया, प्रूव्ड। ओके, तो इतने आसानी से हमने क्या किया, थ्योरम को प्रूव कर लिया। हमने भी दो थ्योरम देखा दोस्तों, इस थ्योरम में दो थ्योरम देखा हमने, एक देखा कि जब दो कोर्स इक्वल होते हैं तो दे आर द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, या दूसरा हमने पढ़ा कि व्हेनेवर द टू कोर्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर दे आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, हमने दो थ्योरम को प्रूव कर लिया। दोस्तों देख रहे हैं यहां पे एक सर्कल है, ठीक है, उसके बगल में एक लाइन दिया हुआ है, बिसाइड दैट वन लाइन इज गिवन। नाउ एक सर्कल दिया हुआ है, उस सर्कल से टच करते हुए लाइन जा रही है, ओके, और एक सर्कल दिया हुआ है, उस सर्कल को काटते हुए लाइन जा रही है, ओके। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, तीन डायग्राम मिल गया है हमें, तीन डायग्राम देखा, एक सर्कल है और एक लाइन दिया हुआ है जो उससे कोई कनेक्शन में नहीं है, पर एक सर्कल है और एक लाइन जो उसकी टच करके जा रही है, और एक सर्कल है और एक लाइन उसको काटते हुए जा रही है, तो तीनों में क्या फिगर में क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा दोस्तों, ना तो सर्कल से लाइन टच करी ना तो उसको इंटरसेप्ट कर रही है, इससे कुछ भी मतलब निकलेगा नहीं दोस्तों। हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ मान लीजिए सेंटर दिया हुआ है और यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दिया है, इस एक पॉइंट से एक लाइन यहाँ पे टच करते हुए जा रही है, तो इसे कहते हैं टेंजेंट। ये हमारा हो गया दोस्तों टेंजेंट, इसे कहते हैं स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक सर्कल है और यहाँ पे एक लाइन जो है उसको इंटरसेप्ट करते हुए निकल जा रही है दो पॉइंट्स पे। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, यहाँ मान लीजिए ओ सेंटर है और यहाँ पे ए मान लो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बना हमारा, यहाँ पे अब यहाँ सेंटर मान लीजिए ओ है और यहाँ पे जो जो लाइन जो है वो दो पॉइंट ए और बी पे इंटरसेप्ट करते हुए निकल जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि जो लाइन ए बी है इसे हम कहेंगे सीकेंट, ये हमारा सीकेंट है, सीकेंट को हम कहते हैं छेदन रेखा, छेदन रेखा, ये छेदते हुए सर्कल को निकल जाती बाहर, इसे कहते हैं छेदन रेखा। दोस्तों बढ़ रहे, एक सर्कल हमने लिया, ठीक है, सर्कल में हमने लिया सेंटर, सेंटर में लिया मान लीजिए ओ, ओ इज अ सेंटर ऑफ सर्कल, ओके, और हमने लिया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से एक सर्कल यहाँ का यहाँ पे हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, ये हमारा हो गया टेंजेंट। सपोज टेंजेंट का हमने नेमिंग किया यहाँ पे ए बी, ए बी इज द टेंजेंट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मान लीजिए टी है, ठीक है, व्हेन वी जॉइन दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विद सेंटर दैट इज ओ टी, देन दिस ओ टी विल बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ए बी, ओ टी विल बी परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट ए बी, दिस थ्योरम इज कॉल्ड एज टेंजेंट, टेंजेंट थ्योरम,
ये इसे हम कहते हैं टेंजेंट थ्योरम कहते हैं कि जब कभी भी कोई भी रेडियस के साथ में कोई भी लाइन परपेंडिकुलर बनाएगी तो हम उसे कहते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा टेंजेंट थ्योरम। एक टेंजेंट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बात ध्यान दीजिएगा। चलिए इसे हम प्रूफ करते हैं दोस्तों, प्रूफ करते हैं टेंजेंट थ्योरम को। टेंजेंट थ्योरम को हम प्रूफ करने चले दोस्तों। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ओटी जो है एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक दूसरा लाइन ड्रॉ किया, दूसरा सेगमेंट ड्रॉ किया जो सेंटर से लेके इस टेंजेंट टच करे। मैंने नाम लिया, इसे बोले पी ले लिया मैंने, ठीक है, मैंने पी नाम ले लिया। तो ओपी यहाँ पे दूसरा लाइन ड्रॉ किया जो सेंटर से आ रही है और टेंजेंट गिर रही है, और यहाँ पहले हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया है, ओटी हमने ड्रॉ कर चुके हैं, पर हमें यह बताना है कि यहाँ पर टेंजेंट थ्योरम क्या होगा, तो देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिया इस प्रकार से, हमने OP को हमने ड्रॉ किया पॉइंट M पर इंटरसेक्ट करे, सर्कल को पॉइंट M पर इंटरसेक्ट करे, तो हमें यह बताना होगा इसमें। Yes, we like it given दिया O is the center of the circle, सेंटर ऑफ द सर्कल हमें दिया है, मान लीजिए दिया हुआ है। AB यहाँ पे टेंजेंट है, ओके हमने दिया हुआ है, हमने लिख लिया, हमने लिया टी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमने ले लिया। इतना लेने के बाद में हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है दोस्तों, यहां पर प्रूफ करना है कि ओटी जो है वो परपेंडिकुलर होगा एबी पर, ये हमें प्रूफ करना है। ओके हम देखते हैं यहां पे हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, वी ड्रॉन वन ओपी such that OMP are collinear where M is the point on circle and P is the point on tangent। हमने क्या बताया कि हमने OP ड्रॉ किया है, OMP एक कोलिनियर पॉइंट बन जाएंगे और M जो है पॉइंट सर्कल पे भी गिरेगा और जो पॉइंट P है वो टेंजेंट पे गिरेगा, ठीक है। इतना हमने लिख लिया, गिवन लिखा, टू प्रूव या कंस्ट्रक्शन लिखा, अब हम कर रहे हैं प्रूफ। अब प्रूफ करने के दोस्तों यहां पे क्या होने वाला है, मैं ये बताना चाहता हूं आपसे मैं कि हमें देखें कि OT जो है हमारा रेडियस है, OT हमारा क्या है दोस्तों, ये रेडियस दिख रहा है, ओके। तो यहां पे OT जो है, OT is radius, okay, fine। अब हमारे में since we know that OP के अंदर क्या दिख रहा है, OP के अंदर दिख रहा है OM plus MP because why? Because OMP यहाँ पर collinear। इतना होने के बाद हमें मालूम है, therefore OP is equals to OM, instead of OM we will write OT। तो हमने यहाँ लिखा OT plus MP। ऐसे क्यों? Since we know that OT is equals to OM because they are radii of the same circle, ठीक है, एक ही तरीके से radii हो गए, तो हम ये बात पढ़ गए। OP is greater than OT, तो whenever any line we draw from the center to its tangent, okay, the shorter distance, ये हमारा distance बड़ा हो गया। Since we know that OP is greater than OT, why? देखो आप देख के मालूम पड़ रहा है, OP जो है इक्वल OT प्लस MP, माने OP जो है वो OT के साथ में कोई और सेगमेंट जुड़ रहा है तब जाके OP के इक्वल बन रहा है OT, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि OP जो है OT से बड़ा है, तो जब कभी कोई भी पॉइंट सेंटर से कोई भी हमने सेगमेंट ड्रॉ किया टेंजेंट तक, ओके, तो जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, तो हमें एक बात पड़ गया कि OT जो है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, OT इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट, तो जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो देयरफॉर वी कैन से दैट OT विल बी परपेंडिकुलर टू AB, और हेंस क्या हो गया, प्रूव। ये बात को ध्यान दीजिए दोस्तों, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बुक्स में थ्योरम को कुछ और वर्डिंग में दिया गया होगा, नो इश्यू दोस्तों, ज्योमेट्री किसी का बंधन में नहीं है, ज्योमेट्री एक फ्री फ्लो
फ्लो है, जितना आपके पास नॉलेज होगा उतना आप स्मार्ट कर सकते हो। आपने ये देखा कि बुक में जो दिया हुआ है वो थोड़ा अलग बना के दिया होगा, हमने थोड़ा अलग बता के दिया। यहाँ पे क्या बता के दिया हमने कि जो भी सेंटर से टेंजेंट के बीच में जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये बात को ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए यहाँ पे OD जो है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर हो गया। ओके दोस्तों, क्या होता है कि दो जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी भी पॉइंट से, एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल के ऊपर, तो दोनों जो टेंजेंट हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। बट अगर आपको एग्जाम में दे दिया कि प्रूफ करो कि दोनों इक्वल होते, कैसे इक्वल प्रूफ करेंगे, उसके लिए हमने क्या किया, हमें ड्रॉ करने जा रहे हैं यहाँ पे टेंजेंट। हमने यहाँ पे टेंजेंट ले लिया, सपोज मान लीजिए AM, ठीक है, और यहाँ लिया BM, दूसरा टेंजेंट ले लिया। अब हमने यहाँ पे सेंटर लिया, यहाँ मान लीजिए O इज सेंटर। हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया, हमने OA को और हमने OB को ज्वाइन किया, such that OA is perpendicular to AM, OB is perpendicular to BM, ठीक है। अब ये क्यों perpendicular होगा आपको मुझे बताने तो नहीं है, हमने अभी पढ़ा था tangent theorem। tangent theorem क्या कहता है कि कोई भी सेंटर से अगर हम लोग रेडियस ड्रॉ किए हैं उसके टेंजेंट तक, तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मिलेगा वो अपने आप क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, एज पर टेंजेंट थ्योरम, एज पर व्हाट, टेंजेंट थ्योरम, ये बता दीजिएगा। तो यहाँ परपेंडिकुलर हो गया। अब हमने क्या किया, OM को हमने क्या किया, ड्रॉ कर लिया। तो हम लिखेंगे गिवन, गिवन हम लिखने जा रहे हैं दोस्तों इस प्रकार से, O इज द सेंटर, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल हमने ले लिया। हमें यहाँ पे टू प्रूफ करना है, हमें टू प्रूफ क्या करना है यहाँ पे है कि जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट AM इज इक्वल टू BM के, ये हमें प्रूफ करना है। ओके हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया, क्या किया कंस्ट्रक्शन में हमने यहाँ पर OA, OB और हमने OM को ड्रॉन किया, ठीक है, वी ड्रॉन दिस OA, OB एंड OM। ओके हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं प्रूफ, अब हम प्रूफ लिखने जा रहे हैं, हम उत्पत्ति करने जा रहे हैं इसकी। तो हम बताएंगे यहाँ पे, हम लेंगे हम इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल OAM, OAM एंड ट्राइंगल OBM, OBM में इस दो ट्राइंगल में क्या देखने जा रहे हैं, OMA और OBM में हम ये बताने जा रहे हैं कि एंगल OAM, OAM इज कॉन्वेक्स टू एंगल OBM, OBM व्हाई, टेल मी व्हाई, टेंजेंट थ्योरम, हम देखेंगे टेंजेंट थ्योरम, ठीक है, हमने लिख दिया इतना। अब टेंजेंट थ्योरम से नॉन लीनियर हो गया हमारे पास में। अब हमें ये पता है दोस्तों कि OA जो है वो कॉन्वेक्स किसके होगा, OB के, टेल मी व्हाई, टेल मी व्हाई, बिकॉज़ दे आर द रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, वी आर हियर रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। अब उसके बाद में हमें ये पता चला ये इक्वल हो गया है। अब ये दिख रहा है दोस्तों, ये हमें दिख रहा है, ये क्या है, ये कॉमन साइड है, तो हम बोलेंगे OM जो है वो कॉमन किसके है, OM के, हम लिखेंगे कॉमन साइड, कॉमन साइड। दो त्रिभुज में जब एक भुजा शामिल होती है दोनों में, उसे कहते हैं लोग सामान्य भुजा, दैट इज कॉमन साइड। तो आप देखते हो हम जो दो ट्रायंगल जो बन रहे हैं यहाँ पे तीन रीजन दे दिया है, एक 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 के सामने वाले साइड्स को कहते हैं हम लोग हाइपोटेनियस, जो कि इक्वल है, सेम है, 90 के सामने वाले जो साइड है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन दिख रहा है, और एक सेट ऑफ साइड जो है वो इक्वल दिख रहा है। तो जब ऐसा रीजन आएगा तो हम कहते हैं ट्रायंगल, हाँ क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग कहते हैं ओ ए एम कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ओ बी एम विद हाइपोटेनियस, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, ये हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से दो ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसके रिमेनिंग साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने इजिली प्रूफ कर लिया ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एम के, और हैंस क्या होंगे दोस्तों, ये दोस्तों। मैंने आपको इस पहले वीडियो में आपको मैंने कुछ पार्ट एक्सप्लेन किया है सर्कल के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से, कुछ और पार्ट के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूं दोस्तों, पार्ट टू। तो इस वीडियो में मैंने टोटल 20 कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया, 20 कॉन्सेप्ट मैंने सर्कल के कंप्लीट कर लिया दोस्तों। कहते हैं दोस्तों कि जब सर्कल की बात करें, सर्कल के जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं,
जब ये आपको अच्छे से आएंगे ना तो आपको सवाल बहुत आसानी से आप कर सकोगे। तो माइनर माइनर चीजों को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको और भी सर्कल के कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन करके दूंगा दोस्तों। उसके बाद हम इसे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया दोस्तों एक लाइक ठोक दीजिए, और दोस्त चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। वीडियो पसंद आ रहा है और चाहते हैं कि आपको अपने स्टेट करना नॉलेज को, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट दीजिए दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।